हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये फिजिक्स का लाइव टेस्ट है, फाइनल लाइव टेस्ट। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, फिर हम आप लोगों का आज टेस्ट लेंगे। फिजिक्स का ये फाइनल लाइव टेस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले ये लाइव टेस्ट देकर ही जाइएगा। और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हजारों के भीड़ में हमारे इस टेस्ट में बच्चे शामिल होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। शाम के 7 बज गए हैं और हम आप लोग का आज फिजिक्स का आखिरी लाइव टेस्ट लेने वाले हैं, फाइनल लाइव टेस्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आ जाइए लाइव। मैं बस वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आते हैं, ताकि हम लोग जो है इस लाइव टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर सकें। तो देखिए, मैं अपने बारे में कुछ इंट्रो देना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया का जो सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर BPSC UPSC की तैयारी कर सकते हैं, सभी लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, सभी लैंग्वेजेस के टीचर। अनअकैडमी पे 16,000 टीचर हैं, टोटल 16,000। और मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड का टैग लगा हुआ है मेरे ऊपर, वेरीफाइड स्टार एडुकेटर हूँ, टीचर हूँ, एक स्टार एडुकेटर टीचर, ठीक है। तो आप चाहो तो हमारी वीडियोज़ अनअकैडमी पे भी देख सकते हो। मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे मैं अभी 10th 12th की वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ। मैं एक जो हूँ ना, वेरीफाइड टीचर हूँ अनअकैडमी पर, बैंक, SSC, रेलवे और डिफेंस लाइन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपका पेपर कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर पेपर के बाद आप बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस लाइन, जैसे डिफेंस लाइन, BSF, CRPF, मेडिकल लाइन, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सुन रहे हो आप लोग, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे लाइव आ रहे हैं, जी गुड इवनिंग। तो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हो, मैं एकदम बिल्कुल सिंपल बताता हूँ आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, करना भी कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक होगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जब वो लिंक ओपन होगा तो आप हमें वहाँ फॉलो कर देना, ठीक है। और अभी तो पहले आप लोग पेपर पे ध्यान दो। 1-2 दिन के बाद जब आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे, 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक, तो अनअकैडमी पे जाना है। आप जो है अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे आपके हर एक आपके फ़ोन में जो है ना, एक प्ले स्टोर होता होगा, नहीं, सभी बच्चों के फ़ोन में एक प्ले स्टोर होता है, तो आप अपने प्ले स्टोर में अनअकैडमी सर्च करो, ठीक है। प्ले स्टोर का जो ऐप होता है उसमें अनअकैडमी सर्च करो, UNACDEMY, अनअकैडमी। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड कर लो, जैसे आप लोग व्हाट्सअप, फेसबुक का ऐप डाउनलोड करते हो। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप को जब आप खोलोगे तो मेरा नाम सर्च करना, सिंपल, राहुल कुमार, ठीक है। राहुल कुमार सर्च करोगे तो हमारी प्रोफाइल खुल जाएगी, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। इससे बढ़िया है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके फॉलो कर दो। और जब आपके पेपर ख़त्म हो जाए तो अनअकैडमी पर आकर हमारे कोर्सेज, मैथ, रीजनिंग, GK, GS, एडवांस मैथ, सभी की वीडियोज़ आपको अभी भी डाल दी गई है, और भी धीरे धीरे बढ़ रही है। लगभग 125 वीडियोज़, 120 से 125 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी वहाँ पर डाल चुका हूँ। तो चलिए, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे लाइव आ गए। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग जी, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। बढ़िया, आप लोगों कैसा लग रहा है? एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का? अच्छा, हाँ जी। और सब नीचे बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, यू डोंट वरी। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है एग्ज़ाम चल रहा है? तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया। हाँ हाँ, टेस्ट को शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा वेट करिए ना, बच्चों का मैं वेट कर रहा हूँ, आज फाइनल है ना, इसलिए थोड़ा बच्चों का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, बस एक मिनट, ओनली 30 सेकेंड आप वेट करो, मैं टेस्ट को शुरू कर दूंगा बिल्कुल। और ये टेस्ट बिल्कुल स्पेशल लाइव टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हेडिंग से लग रहा है, 12वीं बोर्ड परीक्षा फिजिक्स स्पेशल लाइव टेस्ट बाय राहुल सर, ठीक है। तो मेरा नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, मैं यूट्यूब पे भी एक वेरीफाइड टीचर हूँ, वेरीफाइड का टैग लगा है मुझे, सिल्वर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, मुझे अच्छा लगा। और मैं बस ये टेस्ट काफ़ी लंबा लेने वाला हूँ आज, ठीक है। तो वेरीफाइड टीचर हूँ और कुछ तो महत्ता है हमारी, और ये सिर्फ आप लोग की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से। तो आप नया बैच जो है फिजिक्स का, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ फिर टेस्ट ले लूँगा, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। न्यू बैच जो है वो फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है 20 से 25 फरवरी को, यही ड्रीम क्लासेस पे स्टार्ट होगा, क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, सभी के अलग अलग टीचर रहेंगे और सभी आके आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे। मैथ के भी
टीचर यहाँ पे हम मंगवा रहे हैं, क्लास 12th के लिए मैथ के भी टीचर आपको अवेलेबल होंगे, और मैं स्पेशली यहाँ पे आपको लाइव आकर बोर्ड पे पढ़ाऊंगा प्रतिदिन, ठीक है। वहाँ पे अच्छी अच्छी तैयारी कराऊंगा, और बैंक, SSC, रेलवे, मेडिकल लाइन, डिफेंस लाइन, सभी की तैयारी हमारे चैनल पे, मतलब आप जो है ना 10th से लेकर जिस चीज़ की आपकी तैयारी करनी हो सबका टाइमिंग बंधा हुआ रहेगा कि इतना बजे उस चीज़ का वीडियो आएगा, उतना बजे इस चीज़ का। चलिए मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी बच्चे लाइव आ गए, स्टार्ट करें टेस्ट को, बातें काफ़ी हो गई। देखिए चैनल पे कहीं जाना है मत, 12th खत्म हो जाए ऐसा नहीं कि अब इधर उधर ध्यान भटक जाना है आपको। 12th के बाद सभी चीज़ों की तैयारी यहीं पे होगी, मेडिकल लाइन, डिफेंस लाइन, बैंक, SSC, रेलवे, सभी की तैयारी होगी यहाँ पे, कहीं नहीं जाओगे आप लोग, प्रॉमिस जी, प्रॉमिस। पेपर अच्छे जाएंगे, कुछ कुछ बायो के थोड़े पेपर ख़राब गए हैं बच्चों को, मैं खुद इस चीज़ को समझ रहा हूँ, बट हमारे पास स्पेशलिस्ट टीचर नहीं थे बायो के, इस बार मैं एकदम बिल्कुल सारे स्पेशलिस्ट ला रहा हूँ। फिजिक्स के तो मैं खुद ही हूँ, केमिस्ट्री के भी हूँ, तो यू डोंट वरी, मैं बिल्कुल इस बार आपका पेपर अच्छा जाएगा। स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट को, रेडी रेडी आप लोग, एक बार जोर से बोलेंगे, भगवान का नाम ले लो, ये फाइनल टेस्ट है, इसके बाद हम लोग कोई टेस्ट नहीं लेंगे फिलहाल इस सीजन में, अब अगले सीजन में, रेडी। हाँ मैं टाइम पास ज़्यादा कर रहा हूँ जी, आज फाइनल है, बच्चों के मन में डर लग रहा है ना, पेपर है, अब आप लोग का पेपर है ना कल, जब भी हो पेपर है सबका, रेडी हो आप लोग? ओके चलो, पहला क्वेश्चन, बहुत देर बातें हो गई, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस, फिजिक्स लाइव टेस्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। चलो चार ऑप्शन है आज, एकदम आराम से, जल्दी बताओ। ओमेगा इज इक्वल टू एम ई कॉस थीटा, एम ई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ई टेन थीटा, चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी बताओ। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक है डब्ल्यू ई, सॉरी मैंने ओमेगा पढ़ दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू यम ई इंटू वन माइनस कॉस थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू यम ई टेन थीटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू यम ई सेक थीटा, नन ऑफ दीज, चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी, चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर दो आप लोग, क्या होना चाहिए इसका आंसर? विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, आज मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही सही गलत गलत, जो अब मन में आ रहा है एकदम बिल्कुल रगड़ रहे हैं आज, कि अब की बार, ठीक है, 12th पार। चलिए जल्दी, आज बच्चे एकदम बिल्कुल जोशो खरोश में हैं। एक शायरी मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि आसमानों से कहो अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद जो है वो और ऊंचा कर ले। नहीं, चलिए जल्दी, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? डब्ल्यू, चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, इसका आंसर होगा एक का ए। चलिए नोट करिएगा बिल्कुल, अगर हो सके यहीं से दो तीन प्रश्न आ जाए एग्जाम में, टेस्ट है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देख पा रहे हैं बायो के, मैंने टेस्ट में बायो के क्वेश्चन मैंने देखे थे, हमारे जो स्पेशलिस्ट टीचर है बायो का, मैं तो बायो का टीचर हूँ नहीं, तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव में जो है ना थोड़ा दमखम था, शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारे लड़े, 8-9 क्वेश्चन भी शॉर्ट लड़े, लॉन्ग भी लड़ा दो तीन क्वेश्चन, ठीक है, किन्हीं किन्हीं बच्चों का कहना है कि सर आपके नहीं लड़े, अरे आप पूरा देखोगे तब तो पता चलेगा लड़े या नहीं लड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरा बताइए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरचित असंरचित, कहीं संरचित कहीं असंरचित, इनमें से कोई नहीं, दो ऑप्शन है आपके पास, सॉरी चार ऑप्शन है आपके पास जी। गुड इवनिंग जी, विकास जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिएगा जी। सुमन जी, सुमन जी बोलिए, कैसे हो आप लोग? बढ़िया जी। राजीव जी, जी, मैं सबको देख पा रहा हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, आज भीड़ है, नहीं आज भीड़ है हमारे वीडियोस, मतलब हमारे लाइव सेशन में, होनी भी चाहिए यार, कल पेपर है, आज भीड़ नहीं रहेगा तो अब कब रहेगा? अब नहीं तो कब? अब नहीं तो कब, आप ही बताओ। चलो दो के आंसर दो, मैं आंसर बताता हूँ, ये जो होता है ना स्थिर विद्युत क्षेत्र संरचित होता है, आज मैं आराम आराम से इस टेस्ट को करवाऊंगा, बिल्कुल आराम से आप लोग करो, जाना कहीं नहीं, 1 घंटे आराम से बैठो, आराम से टेस्ट लेते हैं, फिर लास्ट में बता देना 30 में 35 में कितने आए, 30 ही क्वेश्चन है आई थिंक, मेरे हिसाब से 30 में ही बता देना कितने आए आपके। चलिए, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, जल्दी बताओ, यदि दो आवेशों की दूरी जो है ना अगर हम बढ़ा दें तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। चलिए
यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेश के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, जल्दी आंसर देंगे, तीन का आंसर जल्दी आप लोग दीजिए, मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ आपका। क्या होगा ऐसे कंडीशन में कि जब मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चलिए आंसर दे दिया आप लोगों ने, अब मैं बताता हूँ, रेडी? मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं, सही गलत जो भी है मिला जुला के ठीक ही दे रहे हैं, कुछ कुछ ने सही दिया, गलत तो बहुत बच्चे दे रहे हैं। इसका आंसर होगा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मिलाओ अपनी कॉपी में आपने क्या मारा और मैं क्या बता रहा हूँ। लास्ट में जब ये टेस्ट पूरा हो जाए तो अनअकैडमी के लिंक पे ज़रूर आप लोग फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो टेस्ट सीरीज होगा नहीं, ये लास्ट टेस्ट सीरीज अब नए सेशन में, इस सेशन का ये आखिरी लाइव टेस्ट है हमारे चैनल के थ्रू, केमिस्ट्री का होगा, जिस दिन आपके केमिस्ट्री के पेपर रहेंगे उस दिन एक दिन पहले आपको केमिस्ट्री का एक टेस्ट या दो टेस्ट टेस्ट हम लेंगे, टारगेट तो है दो टेस्ट का लेकिन मिनिमम एक टेस्ट होगा आपका। चलिए, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अगर किसी धातु का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चार नंबर का आंसर, मैं तो बस आप लोग का वेट कर रहा हूँ कि किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध, अगर ये लाइव टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइव का बटन सॉरी लाइक का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग जो हैं, और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, इस टेस्ट को आप लाइव टेस्ट अगर आपका छूट गया कोई बात नहीं है, आप जो है ना जब ये टेस्ट वाली वीडियो जब अपलोड होगी चैनल पे तब भी आप लाइव टेस्ट दे सकते हो। इस वीडियो को प्ले करना, वहाँ पे एक लाइव चैट का ऑप्शन आएगा नीचे, वहाँ से आप लाइव चैट में अपना आंसर लाइव दे सकते हो बिल्कुल। चलिए चार का आंसर, चार का आंसर होगा कि ऐसे कंडीशन में ताप प्रतिरोध सॉरी प्रतिरोध बढ़ता है, बिल्कुल नोट करते जाइएगा। पांचवे नंबर क्वेश्चन की ओर, विट अस्ट्रोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किस चीज को मापने में? विद्युत वाहक बल को, धारा, प्रतिरोध, आवेश, चार ऑप्शन है। हिट अस्टोन ब्रिज का उपयोग किस चीज को मापने में करेंगे? पांच का तीन ऑप्शन है, विट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किस चीज को मापने में? जल्दी बताओ, पांच के जल्दी आंसर दोगे आप लोग, बिल्कुल लेट नहीं करोगे, पांच नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? चलिए मैं देख पा रहा हूँ बच्चे एकदम बिल्कुल इसका सही आंसर दे रहे हैं, 90% बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं सही, कि सर पांच का आंसर आई थिंक क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ जी, पांच का आंसर सी होगा, प्रतिरोध, हिट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है प्रतिरोध मापने में, नोट करते जाओ बिल्कुल, इग्नोर नहीं करना इस चीज को, पेपर में हो सकता है कि कल के पेपर में एक आध क्वेश्चन आ जाए यहीं से, मे बी दो तीन क्वेश्चन अगर आ गया तो बेड़ा पार, एक लाइव टेस्ट देने से अगर दो तीन क्वेश्चन मिल जाए, मे बी मैं बोल रहा हूँ, कन्फर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो बेड़ा पार। चलिए, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, चार ऑप्शन है आपके सामने, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर, नन ऑफ दीज। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक, छह नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, नन ऑफ दीज, छह का आंसर जल्दी दीजिए। देख पा रहे हैं बच्चे दे रहे हैं आंसर, जी एकदम, आज भीड़ ना एकदम बढ़ा के रखना है भीड़ को, नहीं जी भीड़ को एकदम बढ़ा के रखना है। चलिए आंसर दीजिए, कहीं नहीं जाना है आज, एक घंटा टेस्ट देना है पूरा। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक छः का आंसर होना चाहिए, जी सही बोल रहे हैं आप लोग, एम्पियर मीटर स्क्वायर, छः का आंसर बी, नोट करते जाओ बिल्कुल कॉपी में, जो क्वेश्चन छूट जाए या नहीं समझ में आए या नहीं बने आंसर नोट करिएगा, टेस्ट है मे बी यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में एग्जाम में आ जाए, मे बी मैं बोल रहा हूँ, हर एक बार मैं मे बी लगा रहा हूँ शायद। चलिए, ध्रुव का नमन कोण होता है कितना? आज का क्वेश्चन जो थोड़ा स्पेशल स्पेशल लग रहा है नहीं, थोड़ा नया नया भी क्वेश्चन एक दो मैं बीच बीच में ला रहा हूँ, ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? सात का आंसर दो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 180, सात नंबर क्वेश्चन का आंसर, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 0, 90, 45, 100, ये प्रीवियस ईयर शायद टेस्ट में पूछा गया इसलिए बच्चे इसका जो है बड़ा बेजोड़ आंसर दे रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी में गति में आंसर दे रहे हैं, ध्रुवों पर नमन का कोण होता है जल्दी बताओ,
बता दिया आप लोगों ने? बिल्कुल, क्या होगा आंसर? जी सही बोल रहे हो आप लोग कि ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है सर। नोट करिएगा, बिल्कुल ध्रुवों पर नमन का कोण होता है 90 डिग्री। नोट करते जाओ, बिल्कुल फायदा होगा आपको एग्जाम में। आगे बढ़े, टेस्ट खत्म होगा, बता देना 30 में कितने आए हैं आपको। ठीक है, मैं देख लूँगा, सब अपना अपना नाम भी भेज दोगे लिखकर। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टम। अरे बाप रे, इतना स्पीड में आंसर दो दो, जल्दी दो जल्दी। मैं देख रहा हूँ सभी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही सही दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब पेपर है तो इतने हल्के सवालों के लिए गलत की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। माइंड में बस एक चीज़ सेटअप करके जाना है पेपर देने के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बच्चों एक चीज़ जान लो, मैं यहाँ पे हूँ अपने मेहनत की वजह से, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ अपने मेहनत की वजह से, इसीलिए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए 8 का आंसर दो, 8 का आंसर दो। डी, चलिए बड़ा स्पीड में आंसर आ रहा था, 8 का डी, नाइक्रोम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किलो वाट घंटा, के डब्ल्यू एच से इसको डिनोट करते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? किसका है ये किलो वाट घंटा? चलिए इसके भी आंसर बड़े स्पीड में आ रहे हैं। अगर ऐसा ऐसा 2 4 10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, नहीं जिसके आंसर 1 सेकेंड में दे दो, तब तो इस बार एकदम बिल्कुल हाई फाई नंबर आएगा आप लोग का। वैसे बायो में मैंने देखा था, मैंने बायो का सेट भी देखा, काफ़ी कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो पेचीदा मुझे भी लगा ऐसा। बट यू डोंट वरी, अगर आपके पेपर प्रिपेयर आप अच्छे से कर रहे हो तो पेपर अच्छे जाएंगे, यू डोंट वरी। ओके, और मैंने जो 125 क्वेश्चन गैस किया है शॉर्ट वाला, उसको एक बार फिर से देख लेना आज आप लोग, और लॉन्ग वाला भी देख लेना, 2 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे लॉन्ग में, तो अच्छे से देख लेना, बिल्कुल आ सकता है वहाँ से प्रश्न। किलो वाट घंटा के डब्ल्यू एच मात्रक है किसका? चलिए आंसर तो सही दे रहे हैं बच्चे, 90 to 95% दे रहे थे, 9 का B सही आंसर है, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। एक कूलाम्ब आवेश बराबर कितना होगा? 3 × 10^9 ES(9×10^9) 8.85×10^12 -12 या 9 दीज। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चे, काफ़ी हेलो हेलो कर रहे हो सब। कल एकदम अच्छे से जाना है, ठीक है, खाना पीना खा के बढ़िया से। रात में आप लोग ज़्यादा लेट तक मत सोना, लेट से मत सोना, 11 o'clock तक आपको सो जाना पक्का। मेरा एक छोटा सा एडवाइस, रात में आप 11 बजे सो जाना, सुबह 3 बजे उठ जाना, ठीक है, पढ़ने के लिए। रात में 10:30 बजे, 10 बजे भी सो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, 10 11 बजे सो जाना, 2 बजे तक कोई नहीं पढ़ेगा। ओके पक्का, इतना तो मेरी बात मानते हो आप लोग? 10 10:30 11 बजे तक सो जाना, सुबह 3 बजे उठ जाना, बेटर रहेगा, पेपर अच्छा जाएगा। सुबह का जो पढ़ा है ना, रात का जो पढ़ा है वो सुबह अगर आप देख लोगे तो बेटर रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि रात में 2 बजे तक पढ़ते रहना, सुबह 8 बजे उठ के पेपर देने जाना, बिल्कुल पेपर ख़राब जाएगा। चलिए मैं आंसर बताऊँ, इसका आंसर होगा 10 का A। नोट करते जाओ, 10 का A आंसर नोट करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की ओर। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं किस चीज़ का? इसके भी आंसर बड़े स्पीड में आ रहे हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, जल्दी आंसर दो। चलिए आंसर होगा स्टील। नोट करते जाइएगा, बिल्कुल कुछ भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन कभी कभार हो जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्रेरण कुंडली जनित्र उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करेगी? प्रबल धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या अल्प वोल्टता? 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रेरण कुंडली जनित्र उत्पन्न करती है, जल्दी आंसर दो 12 का। प्रेरण कुंडली जनित्र जो है वो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करेगी ये? प्रेरण कुंडली जनित्र उत्पन्न क्या करेगी? प्रबल धारा करेगी, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या अल्प वोल्टता?
देख पा रहे बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका? जी, गति में दो, स्पीड में। हाँ जी, और फिजिक्स के बाद फिजिक्स के बाद आप लोग का केमिस्ट्री का पेपर है, नहीं उसके भी टेस्ट होंगे, यू डोंट वरी। चलिए, 12 का आंसर क्या होना चाहिए? 12 का आंसर होना चाहिए उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली जनित्र जो है ना, उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता। नोट किया आप लोगों ने? नोट किया? ओके, बिल्कुल, थैंक यू। बताओ, अगर एल स्वप्रेरण और आर प्रतिरोध हो तो एल बटे आर की डायमेंशन बीमा क्या होगी? जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एल जो है स्वप्रेरण है और आर प्रतिरोध हो तो एल बटे आर का डायमेंशन क्या होगा? यदि एल स्वप्रेरण और आर प्रतिरोध हो तो एल बटे आर का डायमेंशन क्या होगा? टी एल टी इनवर्स, एल जीरो टी इनवर्स, सॉरी टी टू द पावर टू और नन ऑफ दीन। 13 का आंसर एल स्वप्रेरण और आर प्रतिरोध हो तो एल बटे आर की बीमा होगी। एल स्वप्रेरण आर प्रतिरोध हो तो एल बटे आर की बीमा क्या होनी चाहिए? 13 का। चलिए, आंसर होगा टी, टाइम, समय। बिल्कुल नोट करिएगा, 13 का आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जब आपका टेस्ट खत्म हो जाए तो बता देना 30 में कितना आया, ठीक है? नाम के साथ अपना नाम भी ब्रैकेट में लिख देना, मैं देख लूंगा सबका। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं जिसका आंसर आपको जल्दी जल्दी से देना है। चारों में से कोई एक विकल्प है जो चूज करना है आपको। जी, देख रहे हैं बच्चे, चूज कर रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होना चाहिए। जी, मैं आंसर दूं? बच्चे आंसर दे रहे हैं बी, बिल्कुल सही है, 0 आंसर होगा इसका। नोट करते जाइए कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबाधा का SI मात्रक, ये तो पिछला बार भी टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। प्रतिबाधा का SI मात्रक ABCD। प्रतिबाधा का मतलब हुआ प्रतिरोध, ठीक है? प्रतिबाधा का मतलब कि कार्य में जो है ना बाधा उत्पन्न करना, यानी प्रतिरोध करना, विरोध करना। जल्दी बताओ प्रतिबाधा का SI मात्रक। हेनरी, ओम, टेस्ला, नन ऑफ दीज। सबको देने दीजिए, फिर आंसर हम बताते हैं, डोंट वरी। अभी बड़े स्पीड में आंसर आ रहे हैं आज, जो है ना जोशो खरोश से बच्चे आंसर दे रहे हैं। नहीं, हाँ जी बताओ, प्रतिबाधा कैसा है मात्रक? चलिए मैं बताऊं, ओके, इसका आंसर होगा बी, ओम। प्रतिबाधा का SI मात्रक ओम होता है, सही बात है आप लोग का कहना। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का SI मात्रक, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी, ओम, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का SI मात्रक क्या होना चाहिए? देखो, आपको एग्जाम में जो है दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल से भी रहेंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल का आप जो है थोड़ा देख कर जाना आज रात में। बिल्कुल, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का SI मात्रक क्या होना चाहिए? हेनरी, ओम, टेस्ला, कोई नहीं। 16 का आंसर दो जल्दी। ABCD, चार ऑप्शन है आपके पास। अन्योन्य प्रेरण गुणांक, मैं रुक रहा हूँ बच्चों के लिए ताकि आंसर दे आप लोग। दे दिया आप लोगों ने आंसर? ओके जी, हेनरी। नोट करते जाइएगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का SI मात्रक हेनरी। कॉपी में नोट करते जाओ, पेपर आपके हो सकता है यहीं से दो तीन प्रश्न आ जाए पेपर में। चलिए, प्रश्न नंबर 17, यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का SI, शक्ति गुणांक का मान होता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है टैन फाई, कॉस स्क्वायर फाई, साइन फाई, कॉस फाई। चार ऑप्शन है आपके सामने, मैं इसके लिए थोड़ा टाइम लेता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दो जल्दी। यदि प्रत्यावर्ती, चलो जल्दी आंसर दो। यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है टैन फाई, कॉस स्क्वायर फाई,
शाइन फाई कॉस फाई, चार ऑप्शन है आपके सामने। मैं बस वेट कर रहा हूँ आप लोग का कि जितना जल्दी आप लोग आंसर दे सकें कि यदि प्रत्यावर्ती धारा एवं विद्युत वाहक बल के बीच का कालांतर, ठीक है, जो कितना हो वो फाई हो, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होना चाहिए। टैन फाई कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई, चार ऑप्शन है आपके सामने। 17 का आंसर जल्दी दीजिए। दे दिया आप लोगों ने आंसर, ओके। चलिए मैं बताऊं, मैं बताऊं, डन। डरे सहमे सो नहीं, डरे और सहमे से तो नहीं हो आप लोग, पेपर है तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पेपर अच्छा जाएगा। टेंशन अभी से लोगे तो पेपर खराब जाएगा, ठीक है। चलिए तो 17 का आंसर है डी, नोट करिए कॉस फाई, कॉस फाई नोट करिए, 17 का आंसर डी, चार ऑप्शन है, 17 का आंसर डी कॉस फाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पेपर अच्छे जाएंगे आपके, ओके जी सुमन जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे जो है कुछ अच्छे अच्छे फैंस हैं जो हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहते हैं, मैं उनका नाम भी कभी कभार ले लेता हूँ, ओके। एक हमारे मुस्कान चौरसिया हैं, पता नहीं ये शायद आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज से, ठीक है, काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। सुमन जी हैं, काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, और भी एक हमारा है गोपाल कुमार जो बेगूसराय से बिलोंग करता है, काफ़ी बड़ा फ़ैन है हमारा, और भी हैं, मैं नाम एक एक करके लेता हूँ सबको, जैसे मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे। और एक है हमारा जस्ट अ वेट, एक झाझा से हैं, नाम उनका है खुशी, और भी हैं जैसे राजीव कुमार हैं जो पटना से बिलोंग करते हैं, और भी मैं बताता हूँ, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ैन हैं हमारे जो कंटिन्यू हमें जो है हमारी टीम को कंटिन्यू जो है हेल्प करते हैं, जब भी कुछ छोटी छोटी बातें होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे अच्छे अच्छे फैंस हैं उन सभी को हमारे ड्रीम क्लासेस के थ्रू थैंक यू कि इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए हमारी टीम को, और इसमें से एक को हम अपने चैनल पे टीचर के एज ए टीचर के रूप में ले रहे हैं। और भी हमारे जो स्पेशल फ़ैन हैं, अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर उनके अंदर अच्छी वाली क्वालिटी हो, एकदम छोटी वाली नहीं बड़ी वाली क्वालिटी, ठीक है, तो वो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, सिर्फ वही। अब जो है ना ज़्यादा व्हाट्सअप मत करिएगा सब लोग, क्योंकि अब पेपर, आपको ध्यान दीजिए, जो पेपर के बाद हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं एज ए टीचर के रूप में, जिनके अंदर बहुत मतलब जो है ना बहुत नॉलेज हो, अगर थोड़ा मोड़ा है तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हमारी टीम में जो जितने भी हैं सब वेरीफाइड टीचर हैं, सबके पास जो है ना, तो इसमें से हम सिर्फ एक टीचर को यहाँ पे रख सकते हैं अपने चैनल पे। ऑलरेडी 10 टीचर हो चुके हैं, इस नेक्स्ट सेशन के लिए 9 टीचर हो गए, एक टीचर और हैं जिन्हें मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ अपने बच्चों में से, जो हमारे बच्चे होनहार बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने चैनल पे पढ़ाने का मौका दूंगा, अवसर दूंगा। 7520318714 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नो फोन कॉल्स, ओनली व्हाट्सएप नंबर। आप हमें अपनी डिटेल्स भेज दो, ठीक है, एज ए वीडियो एज ए PDF के रूप में, मैं आपको देखकर अगर हमारी टीम को अच्छा लगा तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, ओके। 10th 12th कुछ भी पढ़ा सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता है, तो मैं पहले बोल देता हूँ, जिसके पास एकदम भरपूर नॉलेज हो ना वही इस चीज़ को आगे करिए, क्योंकि हमारी टीम अगर आपके पास नॉर्मल है तो नहीं, एकदम वेरीफाइड हो तभी आप कर सकते हो इस चीज़ को, कि आप एकदम बिल्कुल सक्षम हो, बच्चे कहीं से भी प्रश्न पूछे घुमा के आपको जवाब देना है, ठीक है, तभी आप करना। चलिए फिलहाल अभी टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि पेपर है कल हम लोग का। प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या होना चाहिए, जूल ऊष्मन, पेलिटियर ऊष्मन, टॉमसन प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का डील करिए, प्रत्यावर्ती धारा का ऊष्मीय प्रभाव प्रमुखता है क्या, चार ऑप्शन है आपके सामने, ABCD, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिए दे दिया आप लोगों ने आंसर, मैं दूं, ओके, इसका आंसर होगा जूल उस्मन, नोट करिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जूल उस्मन। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 90 डिग्री, 0, 1, 180, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है 90 डिग्री, 0, 1, 180, क्वेश्चन नंबर 19, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या है, 90 डिग्री, 0, 1, 180, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक है 90 डिग्री, 0, 1, 180। चलिए
मैं आंसर बताता हूँ, बच्चों ने दे दिया आंसर, देख पा रहे काफ़ी बच्चे आंसर सही सही दे रहे हैं जी। इसका आंसर 19 का बी होगा, 0, नोट करते जाइएगा। ओके, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस चीज़ पे? डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत प्रेरित चुंबकत्व पर, या प्रेरित विद्युत धारा पर? चलिए 20 का आंसर, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, ये भी काफी बार पूछा गया सेट में, इसलिए बच्चे इसका आंसर बड़ा स्पीड में दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग, क्या बात है आज, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबक के प्रेरण, चुंबक उसमें ये प्रभाव, प्रेरित चुंबकत्व, या प्रेरित विद्युत पर? चलिए मैं आंसर बताता हूँ, 20 का आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके बिल्कुल, तप्त तार अमीटर मापा जाता है, या सॉरी कहिए तप्त तार अमीटर मापता है किस चीज को? तप्त तार अमीटर मापता है किस चीज को? प्रत्यावर्ती धारा के किस चीज को? उच्च मान को, औसत मान को, वर्ग माध्य मूल्य मान को, या ननवतीज? क्वेश्चन नंबर 21, ये भी पीछे टेस्ट में मैंने पूछा था, तप्त तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा के किस मान को? ओके जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, इसका आंसर होगा सी, वर्ग माध्य मूल्य मान को। तप्त तार अमीटर जो है ना, वो मापता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल्य मान को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है किस नियम से? क्रिचहॉप्स नियम से, लेंज के नियम से, प्लांक नियम से, या कोई नहीं? अगर अगर जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना इस वीडियो को, लाइक जरूर करेंगे, और मुझे पता है कि इसमें अनलाइक नहीं आएगा इस टेस्ट सीरीज में, ये वाला जो टेस्ट की वीडियो है इसमें अनलाइक ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इतना कॉन्सेप्चुअल बनाया ही है नहीं, काफ़ी मेहनत की है मैंने इस टेस्ट के लिए। सभी में मैं टेस्ट में मेहनत करता हूँ, पर ये वाला जो टेस्ट है ना, बहुत मैंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। चलिए जल्दी बताएंगे कि 22 का कि भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। चलिए मैं आंसर बताऊँ, देख रहे हैं बच्चे आंसर दे दिया है, काफ़ी बच्चों ने दे दिया आंसर, रुक रुक कर आंसर दे रहे हैं, पर सही दे रहे हैं। लेंज के नियम से, भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है लेंज के नियम से, नोट करते जाइएगा बिल्कुल। और याद रखना है, जिस दिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है उसके रात में एक दिन पहले टेस्ट होगा, फिक्स है ठीक है? और मैं टारगेट रख रहा हूँ दो टेस्ट का, लेकिन दो होना हो एक तो फिक्स होगा, उसमें एकदम 2-3 हज़ार बच्चे लाइव रहेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हो तो। दोस्तों को भी बता देना कि टेस्ट होगा, ड्रीम क्लासेस पे जुड़ जाओ हमारे टेस्ट में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना? क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी आंसर दो। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, जब वो आदर्श रहेगा तो प्रतिरोध कितना होगा, बताओ। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, शून्य, 5,000 ओम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होगा, शून्य होगा, 5,000 ओम होगा, या क्या होगा अगला? एक सेकेंड, हाँ जल्दी बताओ। एक आदर्श वोल्ट, चलिए मैं आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा 23 का ए, अनंत होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, नोट करिएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन धारा का मात्रक है क्या? ए एम, OMA J। 24 नंबर क्वेश्चन, बड़ा छोटा क्वेश्चन है, विस्थापन धारा का मात्रक है, बहुत मेहनत की है हमारी टीम ने आप लोगों के लिए, इतना तो फर्ज बनता है कि आगे हमारी टीम को हेल्प करिएगा, पेपर अच्छे जाएंगे तो चैनल पे बैंक SSC और रेलवे की तैयारी के लिए सभी बच्चे लाइव आएंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा आप लोग को बोर्ड पे आके, प्रॉमिस ठीक है? ये हमारा वादा रहा हमारी टीम का, जल्दी इसका डील कर दो पहले आप। विस्थापन धारा का मात्रक क्या होना चाहिए? 24 का आंसर, चलिए बहुत बच्चे आंसर दे चुके हैं, नोट करते जाइएगा 24 का ए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके थैंक यू। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, अप ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या कोई नहीं? 25 नंबर क्वेश्चन को डील करो जल्दी आप लोग, काफी समय हो रहा है टेस्ट में, जल्दी आप लोग आंसर दे दो। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं?
चलिए मैं आंसर बताऊं, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। नोट करते जाओ बिल्कुल। 25 का सी। और ये अगला प्रश्न ये आपके सामने है, प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है किस चीज का? 26 का आंसर। जल्दी दो, क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन करो कि प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए क्या उपयोग करेंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों का, अवरक्त किरणों का, दृश्य प्रकाश का, या इनमें से कोई नहीं? 26 का आंसर दो, प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने हेतु प्रयोग में क्या उपयोग करेंगे। चलिए बहुत आंसर आ रहा है इसका, और सही सही आंसर दे रहे हैं बच्चे, कुछ कुछ ने गलत दिया, बट 90% तो मेरे हिसाब से सही दे रहे हैं कि इसका आंसर होगा 26 का ए, अल्ट्रावायलेट किरणें। नोट करिएगा 26 का ए, अल्ट्रावायलेट किरणें। जी आगे बढ़े। ओके, दीर्घ दृष्टिता के इलाज के लिए प्रयुक्त होती है कौन सा लेंस? दीर्घ दृष्टिता, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे? ये सभी चीज़ें हमें 10th में पढ़ना था, बताओ। चलिए, तो हमने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो सिंपल सी बात है, दीर्घ दृष्टिता के इलाज के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का ए, उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, 27 का ए। चलिए, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है किस चीज की? व्यतिकरण की, परावर्तन की, ध्रुवन की, या वर्ण विक्षेपण की? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है किस चीज की? 28 का आंसर दोगे? व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण। 28 का आंसर। चलिए मैं आंसर दूं, देख रहे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बड़ा स्पीड में दे रहे हैं। अब मैं दूं, रुक जाऊं? ओके हाँ हाँ सोच लो, कोई बात नहीं। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वर्ण विक्षेपण। चलिए 28 का सी आंसर, वर्ण ध्रुवन। नोट करिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, या ध्रुवन की। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जब प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन प्रवर्तित नहीं होता? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, चाल, आयाम। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता है? 29 का आंसर देंगे, जल्दी जल्दी। चलिए इसका आंसर होगा बी, आवृत्ति जो है ना वो परिवर्तित नहीं होती है। नोट करते जाइएगा, 29 का आंसर बी। और ये आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोग रुकेंगे, कुछ बातें हम लोग करेंगे कल के पेपर के लिए, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। यदि एक पतली पारदर्शक सीट को यंग द्वि स्लिट के सामने रखा जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? चलो जल्दी बताओ, बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा? कोई नहीं, एक पतली पारदर्शक सीट को यंग द्वि स्लिट के सामने रखा जाता है तो फ्रिंज की लड़ाई सॉरी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? चलिए इसका आंसर होगा सी, अपरिवर्तित। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोग के पेपर के लिए, और आप लोग नीचे कमेंट करो कितना आया, 30 में 25, 30, 28, 30 में 30 बार लाने वाले बच्चे अपना नाम जरूर बताएंगे, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। और बिल्कुल आप लोग पेपर दो, जो बच्चे जैसे आपके जूनियर हैं भाई बहन, तो उन्हें बताओ कि ड्रीम क्लासेस पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? ड्रीम क्लासेस पे 25 फरवरी के अप्रॉक्स, 20 से 25 फरवरी के अप्रॉक्स टाइमिंग सबका बता दिया जाएगा कि फिजिक्स का क्लास कितने बजे चलेगा, केमिस्ट्री का कितने बजे चलेगा, इंग्लिश का कितने बजे टीचर आएंगे, सबका टीचर रहेगा और सब लोग आकर पढ़ाएंगे। और उसके बावजूद जो इस बार 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए बैंक, SSC, रेलवे और डिफेंस लाइन, इसकी तैयारी मैं खुद करवाऊँगा बोर्ड पर आकर। बैंक, SSC, रेलवे, टॉपिक बाई टॉपिक, मैथ, रीजनिंग, GK GS, मैथ रीजनिंग GK GS प्लस मॉक टेस्ट, मतलब
टेस्ट वगैरह जो होता है वो, और सभी चीज़ के इंग्लिश के भी टीचर आपको प्रोवाइड होंगे यहाँ पे A to Z, ठीक है। तो बिल्कुल पेपर ख़त्म हो जाए 12th का, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे, एक बड़े लेवल तक SSC, LDC, UDC, CGL, UPSC, BPSC तक की तैयारी करवाएंगे घर बैठे। जो बच्चे मेडिकल की लाइन की तैयारी करेंगे, लड़कियां पारा मेडिकल ये सब वगैरह, सभी चीज़ की तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। आप लोग सिलेबस देखकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू उस लाइव टेस्ट में पूरा रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को पेपर में बहुत अच्छा नंबर आए, हमारे चैनल के थ्रू बहुत सपोर्ट आपको मिले, यही मेरी कामना रहेगी, भगवान से दुआ रहेगी आप लोगों से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से पेपर देना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बाय राहुल सर, ड्रीम क्लासेस राहुल सर, RKC, राहुल कुमार चौरसिया हमारा पूरा पूरा नाम है, राहुल कुमार चौरसिया की तरफ से ड्रीम क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, पेपर आपका अच्छा जाए यही मैं चाहता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।